दोस्तों, कई बार आपके मन में विचार आता होगा कि यदि किसी को सही इंश्योरेंस पॉलिसी देना है तो वो कितने रुपए की देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने रुपए का इंश्योरेंस करना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति का आप इंश्योरेंस करें तो उसकी फैमिली पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। यानी कि वो व्यक्ति अपनी फैमिली को जितने रुपये कमा कर हर महीने देता था, उतना पैसा उसकी फैमिली को लगातार जीवन भर मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी व्यक्ति का यदि सही इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो यदि उस व्यक्ति की जो महीने की इनकम है वो 20,000, 30,000, 25,000 या जो भी उसकी इनकम है, तो उसकी इनकम का उसे 200 गुना इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि आप जब उसको इतने रुपये का इंश्योरेंस दे देंगे, यानी उसकी महीने की 200 गुना का इंश्योरेंस उसे दे देंगे, तो उसको जो बेनिफिट मिलेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलेगा कि भगवान ना करे लेकिन उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो उसकी फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा, जो पैसा यदि उसकी फैमिली बैंक में भी रखेगी तो उसे लगातार जो ब्याज मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना कि वो व्यक्ति हर महीने अपनी फैमिली को कमा कर देता था। अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की जो महीने की इनकम है वो 20,000 रुपये है। अब आपने उसे इंश्योरेंस दे दिया 20,000 का 200 गुना, तो 20,000 का 200 गुना देखा जाए तो ये होता है 40 लाख। अब जब आप उसका 40 लाख रुपये का इंश्योरेंस कर देंगे तो भगवान ना करें लेकिन उसके साथ जब कुछ अनहोनी होती है तो उसकी फैमिली को मिल जाएंगी ये 40 लाख रुपये। अब जब ये 40 लाख रुपये उसकी फैमिली को मिल जाएंगे और ये पैसा यदि उसकी फैमिली बैंक में भी रखेगी तो इसका जो हर साल ब्याज आएगा वो आएगा 2,40,000 रुपये 6% के हिसाब से। तो ये होता है महीने का 20,000 रुपये। यानी वो व्यक्ति अपनी फैमिली को हर महीने जो इनकम कमा कर देता था 20,000 रुपये, ये उसकी फैमिली को लगातार मिलती रहेगी।